हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ व्रत में खाई जाने वाली स्पेशली साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम साबूदाना ले लिया है। इसे हम अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। के ऊपर इतना ही पानी होना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब साबूदाने को हमने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने अपना पानी भी सोख लिया है। अब इसे हम छान लेंगे ताकि इसमें बचा हुआ पानी निकल जाए। ये मैंने 100 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें से थोड़ी सी हम बचा लेंगे जो हमें बाद में यूज़ करनी है। अब मूंगफली रोस्ट हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा करके इस पे से छिलका उतार लेंगे। अब साबूदाने को हम प्लेट पे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा सुखा लेंगे फैलाकर। हमने जो मूंगफली रोस्ट की थी इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम दरदरा ही पीसेंगे, इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। ये देखिए इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। साबूदाने को हमने थोड़ा सा सुखा लिया है। अब हम इसे मूंगफली का पाउडर डाल देंगे जो हमने दरदरा पीसा था। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। जो हमने पहले मूंगफली बचाई थी कच्ची, इसे हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। साबूदाना खिचड़ी के लिए ये मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, हरी मिर्ची ले ली है, ये मैंने चॉप कर ली हुई है, कड़ी पत्ता लिए हैं और जिंजर ली है। पहले हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे चॉप की हुई। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना दिखने लग जाए साबूदाना। अब इसमें मूंगफली डाल देंगे जो हमने फ्राई कर ली थी। अब साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया है, ये बनकर तैयार है। इसमें हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप व्रत में यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे। अब साबूदाना खिचड़ी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।